अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी सरकार प्रयासरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती है। धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को असफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर कोशिश कर रही है। ये बात हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कही। सत्ती ने सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उद्योग मंत्री कांग्रेस मुकेश अग्निहोत्री को याद दिलाया कि अपने शासनकाल में एक भी स्थापित किए गए उद्योग का नाम नहीं बता सकते हैं। हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी सरकार प्रयासरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती है। धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को असफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरे जोरों शोरों से कोशिशें कर रही है। ये बात हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कही। सत्ती ने सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उद्योग मंत्री कांग्रेस मुकेश अग्निहोत्री को याद दिलाया कि अपने शासनकाल में एक भी स्थापित किए गए उद्योग का नाम नहीं बता सकते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग मोदी जी का और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का जयराम जी का किस तरह से मुकाबला करें, तो उसका हम लोग निंदा करते हैं और इनको भी यही निवेदन करते हैं कांग्रेस को कि तुम लोग जो एक माहौल हिमाचल में इन्वेस्टमेंट का ईमानदार सरकार का बना है, ईमानदार प्रयास जो हो रहे हैं, उसके लिए हिमाचल की जनता को इसका लाभ मिलेगा। आज हमारे पास 11 लाख के लगभग बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों को प्रदेश सरकार सबको सरकारी नौकरी दे देगी, ऐसा कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती है। और ये बेरोजगार पिछले 1.5-2 साल में हुए पैदा ऐसा भी नहीं है, ये पिछले 72 साल का इतिहास है जब से हम लोग आजाद हुए। और हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो कर्जों का बोझ चढ़ा है वो तभी उतरना या रुकना शुरू होगा जब हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं से इनकम शुरू होगी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की नीयत भी साफ है, नीतियां भी ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में देने के लिए संकल्पबद्ध है, और कांग्रेस के समय पर जो डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट भागी थी वो सिर्फ करप्शन के कारण भागी थी। आज के विपक्ष के नेता और उस समय के उद्योग मंत्री ये नहीं बता सकते कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके 5 साल में एक भी इंडस्ट्री आई हो, अपनी एक सिंगल इंडस्ट्री अपने 1 साल के अंदर एक भी इंडस्ट्री कभी आई हो। सतपाल सत्ती ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही जानती है, लेकिन बीजेपी की सरकारों ने हिमाचल में काम करके दिखाया है। उन्होंने आग्रह किया कि अच्छे प्रयास की प्रशंसा नहीं कर सकती तो इन्वेस्टर मीट के लिए हवा पैदा भी ना करें। इस अच्छे प्रयास की अगर प्रशंसा नहीं कर सकते तो कम से कम हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर के लिए एक हवा खड़ा करने की कोशिश ना करें, एक डर पैदा करने की कोशिश ना करें कि हम देश प्रदेश में हैं। वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, वो उपस्थिति के माध्यम से भी एक डर पैदा करके इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये हमारा सीधा आरोप है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हिमाचल में, और हिमाचल के नौजवानों का कांग्रेस भला नहीं चाहती है। वो हिमाचल में चाहती है कि ऐसा एक माहौल बना रहे, 5 साल कोई आ जाए, 5 साल कोई आ जाए, अपना धंधा चलता रहे सबका। तो वो बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी चाहती कि हम काम करके फिर 2022 में जनता के बीच जाएं और लगातार इस प्रदेश को विकास की राह के ऊपर आगे लेकर के जाएं। इन्वेस्टर मीट में अनुराग ठाकुर और धूमल के ना आने की चर्चाओं पर सतपाल सत्ती ने कहा कि इन्वेस्टर मीट में धूमल के ना आने का निजी कार्यक्रम में व्यस्त होना है और इन्वेस्टर मीट में पार्टी का बहुत काम नहीं होगा और केवल पीएम मोदी का स्वागत करने तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 7 नवम्बर को 10:30 बजे पहुँचेंगे और अमित शाह 8 नवम्बर को शाम 3 बजे धर्मशाला पहुँचेंगे। व्यक्तिगत काम है, मेरी अभी भी बात हुई क्योंकि हमारा इसमें इन्वेस्टर मीट में पार्टी का कोई बहुत बड़ा नहीं है सिवाय इससे कि मोदी जी का हमने स्वागत करना है, अमित शाह जी का स्वागत करना है, और बाकी हमने कुछ नहीं रखा है क्योंकि उसमें जा भी नहीं सकते। जो NSG की रिपोर्ट ये सारी आप जानते हैं, आजकल टेररिज्म ये सारी चीजें, तो उसके चक्कर में मेरी अभी धूमल साहब से बात हुई क्योंकि आज ही तय हुआ कि मोदी जी 10:30 बजे पहुंच रहे हैं, अमित शाह जी 3 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि तय नहीं हो रहा था। हमारे प्रोग्राम तो उन्हीं से रिलेटेड थे पार्टी के, तो उसके नाते दो मसाओं से मेरी बातचीत हुई है लगभग 9 मोहर के पास था। मसाओं ने कहा मुझे सीएम साहब का मैसेज भी पहुंच गया था और फोन से भी बात हो गई, कोई मुझे कार्ड भी देके गए हैं कि उसके दिन, लेकिन कोई निजी मेरा काम है तो मैं जलंधर में हूँगा उस दिन।
अवसर पर पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, बीजेपी प्रदेश सचिव विजय पाल सोहारू, जिला अध्यक्ष बीजेपी अनिल ठाकुर, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, मीडिया प्रभारी अंकुश दस शर्मा, विनोद कुमार भी मौजूद रहे।